नमस्कार। जैसे कि आप सभी को पता है कि अयोध्या में आगामी जनवरी 22 तारीख को श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन अयोध्या में होने जा रहा है। इसके निमित्त देश भर में और विश्व भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है और अंडमान में भी उस प्राण प्रतिष्ठा हेतु बहुत सारे आयोजन। और जो अक्षत अयोध्या से आया है, आप लोग सबको पता होगा, पिछले 9 दिसंबर को एयरपोर्ट से एक भव्य और एक दिव्य शोभा यात्रा, अक्षत कलश शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत सभी राम भक्त, कोल्लम में रहने वाले सभी राम भक्तों ने उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और रैली जो एयरपोर्ट से निकल करके चिन्मया मिशन तक आया। उसके बाद काफी कार्यक्रम आयोजन हो रहा है। प्रत्येक घर में, राम भक्तों के घर में अक्षत को देने का एक जो कार्यक्रम है आने वाले दिन में शुरू होगा। उसके पूरे जो कार्यक्रम का जो विवरण है, जो श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समिति के अध्यक्ष स्वामी शुद्धानंद महाराज जी उसके अध्यक्ष हैं, आपको इस पूरे कार्यक्रम जो आने वाले दिनों में कार्यक्रम आयोजित होगा उसका पूरा जानकारी आपके सामने में रखेंगे। नमस्कार। जैसा समिति के सचिव से अनूप जी ने कहा कि हमारे द्वीप समूह में भी 22 जनवरी की तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही है। 50,000 पैकेट्स अक्षता के बनकर के तैयार है और आने वाले 22 तारीख से 15 दिसंबर के बीच पूरे द्वीप समूह में फोर्ट ब्लेयर से लेकर के कैमलवे तक, हटबे और सभी इंटीरियर प्लेसेस में वो अक्षता हम घर घर तक पहुंचाने का कार्यक्रम करने वाले हैं। उसके साथ में एक जो विशेष कार्यक्रम हमने आयोजित किया है, 22 तारीख से 25 दिसंबर के बीच हमारे पोर्टब्लेयर शहर में और आसपास के स्थानों पर जितने देवालय हैं, जितने मंदिर हैं, उन मंदिरों की समितियों से, कमेटी से, पुजारियों से हमारा आग्रह है कि 22 तारीख से 25 तारीख के बीच शाम को 3 बजे से 6 बजे के बीच वो चिन्मय मिशन में आकर के अक्षता का जो कलश वो यहाँ से लेकर के जाएं, कलश को लेकर के जाएं, उस कलश को ले जा करके अपने मंदिर में उसकी स्थापना करें और स्थापना करने के बाद में जब तक 22 जनवरी तक जब तक भगवान के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होती है तब तक लगभग लगभग 1 महीने का समय है। उस 1 महीने तक अपने मंदिर में विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान जैसे सत्संग है, भजन है, यज्ञ है, तुलसी रामायण का पाठ है, सुंदरकांड का पाठ है, हनुमान चालीसा का पाठ है, उस कार्यक्रम का आयोजन करें। तो 22 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच शाम को 3 बजे से 6 बजे के बीच में मंदिर कमेटियों के जो पदाधिकारी हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो पुरोहित हैं, आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ आएं और कलश को लेकर के जाएं। एक प्रश्न जो पूछा जाता है कि 22 तारीख के बाद में जो कलश हम मंदिर में लेकर के जाएंगे उस अक्षता का क्या करना है, तो हमारा निवेदन ये है कि 22 जनवरी को आप अपने मंदिर में बड़ा कार्यक्रम आयोजित करें। 9 बजे से 11 बजे तक सत्संग है, भजन है, इसका अनुष्ठान करें। फिर टीवी लगा करके, बड़ा स्क्रीन लगा करके 11 से 1 के बीच में अयोध्या में जो विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण होगा वो लोगों को दिखाएं और उसके पश्चात 1 बजे से अन्नदान करें। और जाते समय ये जो कलश आप चिन्मय मिशन से मंदिर में लेकर के जा रहे हैं उसकी जो अक्षता है वो अक्षता आप वहाँ जो भक्त एकत्रित होंगे उनको वितरित कर दें। ये भक्तों के लिए जीवन भर के लिए एक अमूल्य सामग्री होगी, एक ऐसा धन होगा जो उन्हें जीवन भर याद रहेगा कि 22 जनवरी को 2023-24 में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर ये अक्षता उनको प्राप्त हुई है। उन अक्षता को वो लोग अपने पूजा स्थान में रख सकते हैं। मैं एक बार पुनः सभी मंदिर की समितियों के पदाधिकारियों से, ब्राह्मणों से आग्रह करता हूँ कि वो 22 से 25 दिसंबर के बीच कृपया आए और अक्षता का जो कलश है वो अपने साथ लेकर के जाएं। यदि किसी कारण से, किसी परेशानी के कारण यदि आप 22 से 25 के बीच में नहीं आ सकते हैं
तो मेरा निवेदन है कि आप उसके बाद भी कम से कम 30 दिसंबर के पहले ये अक्षता अनिवार्य रूप से, आवश्यक रूप से अपने मंदिर में लेकर के जाएं। यदि इसके बारे में यदि आपको कोई और विशेष जानकारी चाहिए, कोई आपकी शंका है, कोई आप विशेष प्रकार का जानकारी शेयर करना चाहते हैं, मैं दो फोन नंबर आपके साथ शेयर करता हूं। एक हमारे विश्व परिषद के पूर्णकालिक कार्यकर्ता का नंबर है, एक हमारी समिति के महासचिव का नंबर है। कृपया नंबर आप नोट कर लीजिए। श्री अनूप जी का नंबर है जो हमारे श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अभियान समिति के महासचिव हैं, 9933203240। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 9933203240। दूसरा नंबर विश्व परिषद के हमारे पूर्णकालिक कार्यकर्ता जी का है, बुबई नस्कर जी का है, 8116913280। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के लिए समिति का एक कार्यालय बनाया गया है जो डॉलीगंज में सेवा भारती का जो भवन है, उस सेवा भारती के भवन में समिति का कार्यालय है। आप किसी भी समय अंडमान निकोबार द्वीपों के कोई भी नागरिक किसी भी समय वहां जाकर के संपर्क कर सकते हैं, अपना योगदान भी दे सकते हैं। धन्यवाद।